ब्रायोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स वर फर्स्ट लैंड प्लांट्स बट नॉन वेस्कुलराइज्ड। उसके बाद डेवलप कौन हुए? टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए, ठीक है, बट टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलराइज्ड, ठीक है। एवोल्यूशन क्या हुई? उसमें जाइलम फ्लोएम बने। और दूसरी चीज, सबसे पहले स्पोरोफाइट डेवलप हुआ था ब्रायोफाइट्स में, बट अब तक टेरिडोफाइट तक आने तक स्पोरोफाइट को पता चल गया कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन लिव इंडिपेंडेंटली, आई एम बेटर देन गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? डोमिनेंट स्पोरोफाइट आ गया। एक तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है, और उसके बाद इसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी है, इसलिए इसमें क्या आ गए? ट्रू रूट्स आ गए, ट्रू स्टेम आ गई, और ट्रू लीव्स आ गए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, फिर लेट मी शो यू। ये आ नहीं रहा बेटा, एक मिनट मैं ना देखती हूँ। हाँ, कैन यू सी दिस? ये प्लांट्स दिख रहे हैं आपको एवरीबडी? हाँ, और ये आपने देखे होंगे, आप गमलों में भी ग्रो करते हो, फर्न ग्रो करते हो कि नहीं? यस और नो? हाँ ना में जवाब दिया करो जल्दी से। ये प्लांट्स देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ये है फर्न, जो है टेरिडोफाइट्स। ये देखिए, ये सारे, ये सब टेरिडोफाइट्स है, और ये आप पहाड़ों में भी देखते हो, हिल्स पे जाओ तो बहुत सारे नजर आते हैं। और ये देखो, ये जो राइट साइड में आपको मेरा अगर कर्सर नजर आ रहा है, सो इट इज, ये आप गमलों में भी लगा लेते हो, बहुत सारे पार्क गार्डन्स में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये आप देखते हो, मैं एक लीफ की बात करती हूँ, ये देखिए, ये लीफ है, ये पूरा जो ये बड़ा सा मैंने दिखाया है, दिस इज अ कंप्लीट लीफ, ठीक है। इसके छोटे छोटे ये क्या है? लीफलेट्स है। जो लीफ डिवाइडेड हो उसे हम क्या बोलते हैं? दीज आर यू नो कंपाउंड लीव्स, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट में देखो, ये राउंड सा स्ट्रक्चर, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, है ना? ये नजर आ रहा है, ये कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है, ये बेटा यंग लीफ है। जब लीफ यंग होता है, इट इज कॉइल्ड लाइक ए वॉच स्प्रिंग, और जब ये ग्रो होता है तो फिर ये पूरा जैसे कंपाउंड लीफ बनता है वैसे बन जाता है। कैन यू सी दिस? अब मैंने ये बड़ा करके दिखाया है, कैन यू सी दिस? ये छोटे छोटे, ये कॉइल्ड है ना? दीज आर कॉइल्ड लाइक, ये बहुत सारे लीव्स है जो कॉइल्ड फॉर्म में है। सो दीज आर यंग लीव्स जो कॉइल्ड होते हैं, वॉच स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग होती है, ठीक है जी। ये देखिए, ये बहुत सारे, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये हर हर कॉइलिंग जो है वो एक लीफ की है, ठीक है, या ये आप लीफलेट की है, ये आप कह सकते हो कि ये जो पूरा ब्राउन सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा लीफ है, और साइड में क्या है? इसके लीफलेट्स है, छोटी छोटी लीफलेट्स है, ठीक है। और ये जब खुलेंगी तो इसका ये इस तरह का लीफ बन जाएगा, राइट। तो आपने क्या देखा है कि ये देखिए, ये जो है, ठीक है, इस तरह के ये सब क्या है? फर्न्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है जी। तो टेरिडोफाइट्स मैंने आपको बताया कि ये प्लांट है जिसमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, और दूसरा इसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी है, दैट्स व्हाई इट हैज टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइट फॉर्म्स में मेनली स्टेम जो है, सभी टेरिडोफाइट्स में नहीं, फॉर्म्स में एक ग्रुप है फॉर्म्स टेरिडोफाइट्स का, उसमें स्टेम अंडरग्राउंड है जिसको हम कहते हैं राइजो, और ये स्टेम इज ऑल्सो कॉइल्ड लाइक ए वॉच स्प्रिंग, जो
हमें सॉइल के ऊपर नजर आता है वो लीव्स ही नजर आते हैं. लीव्स आर लार्ज कंपाउंड जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड. लार्ज कंपाउंड लीव ऑफ फर्न्स इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड. ठीक है, और क्योंकि ये स्पोरोफाइट है इसलिए लीव के नीचे वाले सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सोरस प्रेजेंट है. लेट मी शो यू सोरस ऑल्सो. कैन यू सी दिस? दिख रहा है सबको अच्छी तरह से? यस मैम. ठीक है, तो ये लीफ का नीचे वाला सरफेस है. ये बेटा आपको इस तरह से नजर आएगा लाइट लाइट. जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो ये आपको बड़े बड़े मैग्निफाइड नजर आएंगे. कर्सर दिख रहा है, ये ब्राउन ब्राउन से डॉट्स ही आपको नजर आते हैं. ये क्या है, सोराई है. प्लूरल बोलते हैं सोराई और सिंगुलर बोलते हैं सोरस. दिस इज सोरस. राइट, क्लियर नजर आ रहा है आप सबको? ठीक है. हम ये डॉट्स को भी, ये लीफ वाले डॉट्स को बोलते हैं. हाँ, जो लीफ के डॉट्स है ना बेटा, यही सोरस है. सोराई बहुत सारे. इसको जब मैग्नीफाई किया तो राइट साइड में दिखे, और मैग्नीफाई किया तो ये नीचे वाले, और जब बहुत सारा मैग्नीफाई किया तो ये लास्ट वाला डायग्राम जो नजर आ रहा है, जो आपको एक एक नजर आ रहे, लीफ भी कितना बड़ा नजर आ रहा है. राइट, बट ऑल दीज ब्राउन कलर्ड या रेड कलर्ड स्ट्रक्चर आर सोराई. ओके, ठीक है. तो स्पोरोफाइट पे जो लीव्स है उनके लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सोरस. सोरस इज किडनी शेप. इसका अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे हम कुकम्बर खीरा ले लो, उसके पतले पतले स्लाइसेस काटते हैं, वो है ट्रांसवर्स सेक्शन. अगर हम इसका बीच से सेक्शन काटते हैं तो हमें ये चीज नजर आती है. ये बीच में क्या है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसियम, प्रोटेक्टिव लेयर है. और ये जो है, ये दीज आर स्पोरेंजिया, रेड कलर्ड के है स्पोरेंजिया. ध्यान से पहले सुनो, ठीक है. स्पोरेंजिया में बेटा, ये स्पोरेंजिया हमने फिर मैग्नीफाई किया, स्पोरेंजिया को देखा तो हमें ये स्पोरेंजिया नजर आया. तो इस स्पोरेंजिया में क्या है, ये एक मिनट, दिस इज नॉट इंड्यूसियम बट दिस इज यू नो एन्यूलस. आई एम सॉरी, दिस इज एन्यूलस. राइट, और एन्यूलस में आप क्या देख रहे हो, इधर देखो गुंजन, इधर बेटा, कि एन्यूलस के नीचे वाली जो है वो थिक वॉल्स है, नजर आ रही है आपको. लोअर वॉल्स आर थिक वॉल्स, अपर वॉल्स आर थिन वॉल्स. बट ये जो लिप सेल्स है, ये चार पांच लिप सेल्स है, ये थिन वॉल्ड सेल्स है. ठीक है, अंदर इसके क्या है, स्पोर मदर सेल्स है. स्पोरोफाइट है तो इसलिए ये 2N है, दिस इज 2N. उसके बाद स्पोरेंजिया है तो 2N है. स्पोर मदर सेल्स है तो ये भी 2N होंगे. इसके बाद इसमें मियोसिस हुई और क्या बने, हैप्लोइड स्पोर्स बने. जिन्होंने जर्मिनेट किया तो क्या बना, प्रोथेलस. प्रोथेलस इज N, इट इज गैमेटोफाइट. तो मेन यहाँ पे क्या हुआ, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया. गैमेटोफाइट मतलब विच बियर गैमेट, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. है तो इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट लिव्ड. इसकी लाइफ कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, हमें नजर भी नहीं आता है, है ना. तो इट इज गैमेटोफाइट, हार्ट शेप, प्रोथेलस है, बायसेक्सुअल है, जिसमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों है. आर्किगोनिया वही फ्लास्क शेप, एंथ्रीडिया सर्कुलर. आर्किगोनिया, अब पहले जो ब्रायोफाइट्स थे, आर्किगोनिया की बहुत लंबी नेक होती थी, बट यहाँ पर वो रिड्यूस हो गई, छोटी सी नेक है और वेंटर है. नेक में ब्रायोफाइट्स में 6 to 10 नेक कैनाल्स थे, हियर ओनली 1 नेक कैनाल सेल इज प्रेजेंट.
और वो कैसा है, बायन्यूक्लिएटेड नेक कैनाल सेल, और ये है वेंटर, वेंटर में वेंटर कैनाल सेल एंड एग। उसके बाद एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जो है उसमें क्या है, ये मेल गैमेट्स है, बाहर जैकेट है और ये मेल गैमेट्स है, एन होंगे क्योंकि गैमेटोफाइट एन है तो सभी स्ट्रक्चर्स एन है, हैप्लोइड है। वही कि क्योंकि मेल गैमेट्स कैसे है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स है, दे रिक्वायर वाटर, तो दे फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में पानी में स्विम करके कहां गए स्पर्म, आर्किगोनिया के अंदर, आर्किगोनिया में बेटा मैच्योर आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल डीजेनरेट कर दिया, जिलेटिनाइज किया, जिलेटिनाइज का क्या मतलब है, दे सिक्रीट म्यूसिलेज, म्यूसिलेज अट्रैक्ट मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स अंदर गए, फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट बनाया, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो ने फिर क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया, ठीक है। अब आपके पास ये लाइफ साइकिल है, ठीक है, पहले ये लाइफ साइकिल ड्रॉ करो और उसके बाद मुझे ये बताओ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड पेरिडोफाइट्स। क्लियरली बेटा इतना क्लियर होना चाहिए कि जब तुमसे कोई पूछे, नहीं तो स्टूडेंट्स का क्या है, किसी से पूछ लेना अपनी क्लास में कि आए हाय जब ब्रायोफाइट करते हैं तो हम पेरिडोफाइट भूल जाते हैं, जब पेरिडोफाइट करते हैं तो ब्रायोफाइट भूल जाते हैं, हमें दोनों में डिफरेंस ही पता नहीं चलता। बट आई थिंक मुझे इतना अपने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि मैं बताती हूँ तो बच्चों को समझ आता है एंड दे रिटेन द थिंग्स। आई थिंक कि यू विल प्रूव ट्रू टू मी, राइट, मुझे ट्रू प्रूव करना कि मैंने ढंग से पढ़ाया तुम्हें, ठीक है। चलो बनाओ पहले ये, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। अतिभा ने मुझे मैसेज भी किया, सरदा माँ बताओ बेटा मेजर डिफरेंस, डोमिनेंट प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में कैसी है, पेरिडोफाइट्स में कैसी है? मैम ब्रायोफाइट। यस मैम, इन ब्रायोफाइट्स इट इज गैमेटोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट एंड इन पेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। वेरी गुड वेरी गुड, अतिभा ठीक आंसर दे रही है। ये सरगम ने भी ठीक कहा कि ब्रायोफाइट्स में, लिखते भी चलना अपनी कॉपी में, कॉलम बनाओ, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट, वेयर एज इन पेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। सेकेंड आ जाता है शिवांशी, सेकेंड वन, वेस्कुलर सप्लाई, मैम इन ब्रायोफाइट्स जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट एंड इन पेरिडोफाइट्स दे आर प्रेजेंट। प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, पेरिडोफाइट्स दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट्स। आप ब्रायोफाइट्स को लिख सकते हो फर्स्ट नॉन वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट, ठीक है जी। थर्ड आ जाइए, यस, रिलेशनशिप ऑफ ब्रायोफाइट पेरिडोफाइट फ्री लिविंग क्या है क्या नहीं, हरगुण आप बताइए। यस हरगुण, गगनदीप आप बताइए बेटा। Pteridophyte they produce by gametes formation. नहीं, यहाँ मैं ये पूछ रही हूँ, देखो जरा माइक ऑफ कर लो। In bryophytes, the sporophyte is parasitic on gametophyte. Bryophytes में लिखिए sporophyte parasitic on gametophyte. Pteridophytes में लिखिए both independent, both gametophyte and sporophyte independent. Although gametophyte is short-lived, although gametophyte is short-lived, dono independent hai.
नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स में बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फाउंड इन स्पोर सैक्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फाउंड इन स्पोर सैक्स ऑफ कैप्स्यूल. यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फाउंड इन स्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फाउंड इन स्पोरेंजिया. वन मोर पॉइंट जो हम मिस कर चुके हैं, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट. ब्रायोफाइट्स ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट. पेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट. ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया हैज लॉन्ग नेक विद 6 to 10 नेक कैनाल सेल्स. आर्किगोनिया हैज लॉन्ग नेक विद 6 to 10 नेक कैनाल सेल्स. टेरिडोफाइट्स में शॉर्ट नेक विद सिंगल नेक कैनाल सेल. विद सिंगल नेक कैनाल सेल. ये मेन डिफरेंसेस है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट आ जाइए करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स. करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. कौन कौन सी क्लासेस है मैं थोड़ा सा आपको यहां पर लिख दूं. फर्स्ट है लाइकोप्सिडा. 4 क्लासेस है लाइकोप्सिडा. एग्जाम्पल आ जाता है सेलेजिनेला. एग्जाम्पल है लेजिनेला और दूसरा है लाइकोपोडियम. फर्स्ट क्लास है लाइकोप्सिडा जिसमें एग्जांपल्स आती है सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम. सेकेंड क्लास है साइलोप्सिडा. पी साइलेंट है साइलोप्सिडा और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है साइलोटम. साइलोटम. थर्ड क्लास आ जाती है सिनोप्सिडा. थर्ड क्लास है सिनोप्सिडा. एग्जाम्पल है इक्विसिटम. ब्रैकेट में इसको लिख लो हॉर्सटेल. हॉर्सटेल. एंड फोर्थ क्लास आ जाती है टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा. इसमें आ जाती है फर्न्स. FERNS. फर्न्स. साइलोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा के जो टेरिडोफाइट्स है वो ज्यादा डेवलप नहीं है. मेन क्या है हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स. ठीक है तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए सेकेंड पॉइंट
Pteridophytes mainly has, pteridophytes mainly includes horsetails and ferns. Mainly includes horsetails and ferns, although ferns are the dominant pteridophytes. या फर्न्स आर द मोस्ट अबंडेंट, आप कर लीजिए मोस्ट अबंडेंट पेरिडोफाइट्स. मोस्ट अबंडेंट पेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हम पेरिडोफाइट्स क्यों ग्रो करते हैं? पेरिडोफाइट्स आर मेनली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, गार्डन्स को सुंदर बनाने के लिए. मेनली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स. कॉमा हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ सोयल, सोयल को पकड़ के रखते हैं ये. हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ सोयल. Comma has some medicinal properties also. Has some, कुछ में medicinal properties भी है. Has some medicinal properties also. Next point है, these are found in, these are found in shady places, थोड़ी बहुत shade है, but may grow in sandy soil as well. May grow in sandy soil as well. Next आ जाइए. These are the first vascularized land plants. These are the first vascularized land plants है जिनमें vascular supply है. First vascularized land plants. Next है, the dominant plant body is sporophytic. The dominant plant body is sporophytic and thus mainly diploid. Mainly diploid, bracket mein likh lo 2n. Next point aa gaya, because the plant dominant plant is sporophyte, because the dominant plant is sporophyte which has vascular supply, therefore it has true roots, stem and leaves. It has true root, stem, and leaves. Next step. In some gymnosperms, the leaves are small, called as microphylls. In some, the leaves are small, called as microphylls. For example, Selaginella. And in some others, such as ferns, the leaves are large and compound. Large
and compound, which are called as megaphylls or fronds. Mega, M-E-G-A, which are called as megaphylls or fronds. Next slide. Sporophyte bear sporangia. Sporophyte bear sporangia, which may be associated with leaves. Which may be associated with leaves. And such fertile leaves are called as sporophylls. Such fertile leaves. So ye sab kya hai? Sporophylls. Sporangia bearing leaves. Sporophylls. Next point hai. In some pteridophytes such as equisetum, in some some pteridophytes such as equisetum, the sporophylls are compactly arranged. Sporophylls, जो spore bearing sporangia bearing leaves है वो बहुत एक दूसरे के पास पास है. The sporophylls are compactly arranged to form cone like structures called as strobili, to form cone-like structures called as strobili. Sabhi mein nahi, again, kuch mein, jaise equisetum mein aapko strobili mil jayenge. Next aa jaiye. Sporangia has four mother cells. Bracket mein likh lena 2N, which undergoes meiosis to form spores. Haploid spores. All the spores formed are similar. Unka size sabka ek jaisa hai. Are similar. And thus, pteridophytes are homosporous. Homo matlab same. सभी स्पोर्स एक जैसे हैं. Thus, pteridophytes are homosporous. फुल स्टॉप करते हैं. Each spore germinate to form bisexual gametophyte. नेक्स्ट लाइन में लिख लो एक्सेप्शंस. रेड पेन है तो उससे लिखो एक्सेप्शंस. सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस. बिकॉज 50% of the spores are small. Because 50% spores are small, called as microspores. And other 50% are large, called as megaspores.
50% small microspores and other 50% large called as megaspores. फुल स्टॉप करके हेट्रोस्पोरस टेरिडो, दो टाइप के स्पोर्स बन गए ना, अब ये कुछ ना कुछ तो अलग बनाएंगे. हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दे फॉर्म यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट. दो टाइप के स्पोर्स है तो दो टाइप के गैमेटोफाइट बनेंगे. हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ गैमेटोफाइट. कौन से दो टाइप के? दैट इज सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. दैट इज सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर्स फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर्स फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट. एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो. जो ये हेट्रोस्पोरस है उनमें स्पोरोफाइट तो एक ही है. स्पोरोफाइट नहीं अलग अलग है, स्पोरोफाइट एक है. बस इस स्पोरोफाइट ने दो टाइप के स्पोर्स बनाए. यहां आके दो अलग अलग हो जाएंगे, ये तो एक ही है. यहाँ के गैमेटोफाइट अलग अलग हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल. फर्टिलाइजेशन होगी और फिर स्पोरोफाइट एक ही बनेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला, एनदर इज मार्सीलिया, एनदर इज सालविनिया. ये क्या है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है. सेलेजिनेला, मार्सीलिया, सालविनिया, अनदर इज अजोला. मामी किसके एग्जांपल? दीज आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, जो दो टाइप के स्पोर. जनरली अगर इन जनरल पूछा जाए तो टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, the spores germinate to form green autotrophic free living thalloid gametophyte. N लिख लेना. गैमेटोफाइट क्या है? N है. फुल स्टॉप करके इन फर्न्स, इसी पॉइंट में इन फर्न्स द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोथेलस. गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोथेलस. नेक्स्ट पॉइंट है गैमेटोफाइट इज बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट. Gametophyte is bisexual except heterosporous pteridophytes. The gametophyte, next point, क्योंकि gametophyte देखो छोटा सा है, rhizoids है, bryophytes की तरह से है. ठीक है, कोई vascular supply नहीं है, कोई cuticle नहीं है, कुछ नहीं है. So, gametophyte lives in moist and shady places like bryophytes. Gametophyte of pteridophytes
स्पोरोफाइट की बात नहीं कर रहे, गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं. गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स लिव्स इन मोइस्ट एंड शेडी प्लेसेस लाइक ब्रायोफाइट. फुल स्टॉप करके. ड्यू टू देयर स्ट्रिक्ट हैबिटेट, कि मॉइस्ट होना चाहिए शेडी होना चाहिए. ड्यू टू देयर स्ट्रिक्ट हैबिटेट कॉमा टेरिडोफाइट्स हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. हर जगह नहीं मिलेंगे. टेरिडोफाइट्स हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. जी नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोथेलस बियर्स आर्किगोनिया नियर द टिप. प्रोथेलस बियर्स आर्किगोनिया नियर द टिप एंड एंथ्रीडिया नियर द बेस या नियर द राइजोइड्स. एंड एंथ्रीडिया नियर द राइजोइड्स. नेक्स्ट पॉइंट है, एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स, एज कंपेयर्ड टू ब्रायोफाइट्स कॉमा दे हैव रिड्यूस्ड आर्किगोनिया. दे हैव रिड्यूस्ड आर्किगोनिया हैविंग शॉर्ट नेक एंड वेंटर. हैविंग short neck and venter. The neck bears single binucleated neck canal cells. The neck bears single binucleated neck canal cells. Neck canal cell. Binucleated two nuclei. Whereas the venter has small ventral canal cell and a large egg. Small ventral canal cell and a large egg. Next point. Large egg. छोटा सा वेंट्रल कैनाल सेल और बड़े वाला एग है. ये फीमेल गैमेट. मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल. मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल. नेक्स्ट पॉइंट, एट मैच्योरिटी ऑफ आर्किगोनिया. At maturity of Archegonia, NCC, मतलब neck canal cell and ventral canal cell degenerate. Neck canal cell and ventral canal cell degenerate and gelatinize. And gelatinize, मतलब mucilage के बनाने को property को कहते हैं gelatinization. And gelatinize, G-E-L-A-T-I-N-I-S-E, gelatinize to form mucilage. To form mucilage. Full stop karke. Mucilage secrete chemicals to attract male gametes. Mucilage. Secrete chemicals to attract male gametes. Next point is fertilization occurs during rainy season. Fertilization occurs during rainy season. As it requires water, as it requires water for the swimming of male gametes,
for the swimming of male gametes and reaching in the archegonia. And reaching in the archegonia. Next step. After fertilization, comma, zygote is formed, which develops into multicellular embryo. This embryo forms the dominant sporophyte. This embryo develops into dominant sporophyte. ठीक है जी. Next point आ जाइए. Pteridophytes are land plants except Azolla, Marsilia, and Salvinia. Except Azolla, Marsilia, and Salvinia, which are aquatic pteridophytes. Next है, the frond or the leaf of Azolla. is associated with blue green algae Anabaena. Which is nitrogen fixing. Blue green algae. That is why is associated के आगे लिख लेना symbiotically associated. दोनों आपस में help करते हैं symbiotically associated with blue green algae Anabaena. BAENA है ना BENA भी कहीं लिखते हैं BAENA. And that is why Azolla is used as biofertilizer. बहुत छोटी सी फर्न होती है. Azolla is used as biofertilizer. Mainly in rice fields. क्योंकि rice के fields में बेटा पानी भरा रहता है ना शुरू शुरू में. वहां पे Azolla डाल दो. Azolla भी पानी में ग्रो करती है. Azolla के साथ बहुत सारी Anabaena है. Anabaena नाइट्रोजन फिक्स करेगी, सॉइल में ऐड करेगी, कुछ तो Azolla को दे देगी, कुछ सॉइल में ऐड करेगी और उस सॉइल से राइस के प्लांट्स फिक्स्ड नाइट्रोजन लेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन फॉर्म्स. हम फर्न्स की बात करें. इन फर्न्स देयर आर प्रेजेंट एडवेंटिशियस बर्ड्स. एडवेंटिशियस बर्ड्स नियर द बेस ऑफ द लीव्स near the base of the leaves. For example,
are living near the base of the leaves, such as Dryopteris. Such as Dryopteris, commonly इसको बोलते हैं male shield fern. Male shield fern. और या तो base पे present है और present at the tip of the frond. Or present at the tip of the frond, such as Edientum caudatum. Such as Edientum. Edientum में tip पे है, leaf के tip पे है. The tip of the leaf, the tip of the leaf of Edientum touches the ground. Touches the ground, comma, its bud germinate and form new Edientum. And form new Edientum. Likewise, the leaf of the new plant also touches the ground. Likewise, the leaf of new plant also touches the ground and forms another Edientum. Is tarah leaf touch kiya Edientum. Iska leaf touch kiya Edientum. Iska leaf touch kiya Edientum. Aise lagta hai ki Edientum aage aage move kar raha hai. It appears as if Edientum is moving forward. Edientum is moving forward. That is why Edientum is called as walking fern. Edientum is called as walking fern. Next आ जाइए बेटे, इसी में है distinct characters of ferns. Distinct characters of ferns. First है underground rhizome, underground stem. Underground stem called as rhizome. I'm called as rhizome. R-H-I-Z-O-M-E. Next hai rhizome and young leaves. Rhizome and young leaves are coiled like a watch spring. Are coiled like a watch spring. And such coiling is called as succinate taxis. Such coiling is called as succinate taxis. Next point है, the stem, leaves and rhizomes. The stem, leaves and rhizome are covered by hairy structure. Are covered by hairy structures called as rimenta. Called as rimenta.
नेक्स्ट है इनफॉन्स इनफॉन्स द स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म सोरस द स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म सोरस which are present on the lower surface which are present on the lower surface of the sporophylls lower surface of the sporophylls ठीक है जी तो ये थे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑफ यूनोफॉर्म्स आप ये एक मिनट देखो आई एम जस्ट कमिंग तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए दे हैव हेट्रोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट है क्या डिफरेंट है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दे हैव हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लोंटिक Diplohaplontic alternation of generation. Sporophyte और gametophyte different है. तो इसे heteromorphic, diplohaplontic alternation of generation with sporic meiosis. क्योंकि spore mother cells में meiosis हो रही है. With sporic meiosis. ठीक है जी नेक्स्ट एक और स्टार डाल के पॉइंट लिखना है रेड पेन से क्योंकि बेटा यहां पे एक नया फीचर क्या आया है कि कुछ टेरिडोफाइट्स कुछ फॉर्म्स क्या कैसी है हेट्रोस्पोरस है अभी तक ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस थे टेरिडोफाइट्स भी होमोस्पोरस ही है बट कुछ टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस आ गए ठीक है तो यहां पर लिखिए इन heterosporous pteridophyte in heterosporous pteridophyte the female gametophyte is not independent male gametophyte plant se liberate ho gaya female gametophyte is not independent and is retained on the sporophyte and is retained on the sporophyte फुल स्टॉप करके ऑल्दो टेरिडोफाइट्स डू नॉट फॉर्म सीड्स सीड्स तो नहीं बनाते बट हेट्रोस्पोरी एंड रिटेनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट Retaining of female gametophyte on sporophyte is the precursor ya are the precursors of seed habit ya seed formation. Raw material kaun de raha hai? टेरिडोफाइट्स दे रहे सीड्स नहीं बना रहे बट उन्होंने प्रॉपर्टी शो कर दी कि ये चीजें हैं जिससे सीड बन सकता है कर सकते हो तो डेवलप कर लो टेरिडोफाइट्स ने उसका फायदा उठाया जिम्नोस्पर्म्स ने उसका फायदा उठाया जिम्नोस्पर्म्स को पता चल गया कि सीड ऐसे बनता है उन्होंने उस चीज को डेवलप किया सीड्स बना दी ठीक है कुछ टेरिडोफाइट्स ने तरीका पता किया कि सीड्स कैसे बन सकते हैं एम्ब्रियो तो बनाया सीड क्या है जब एम्ब्रियो सीड कोट में कवर्ड है वो सीड है सीड हैज एनक्लोज्ड एम्ब्रियो ठीक है तो टेरिडोफाइट्स बेचारे उनको था कि हमारा एम्ब्रियो बेचारा कमजोर है ऐसे ही अगर उसे कंडीशंस ना मिले तो मर जाता है इसलिए हम वैसे भी डाइवर्सिफाई हमारा लिमिटेड हैबिटेट है ऊपर से एम्ब्रियो हमारा कमजोर है तो इसलिए हम ज्यादा फैल नहीं सकते अब क्या करें ताकि प्लांट्स और ज्यादा स्प्रेड करें तो कुछ टेरिडोफाइट्स को समझ में आया बट वो कमजोर थे इसलिए वो खुद सीड नहीं बना सके बट उन्होंने सीड बनाने की मतलब विधि रेसिपी पता कर ली वो रेसिपी क्या है
heterospory and retaining of female gametophyte on sporophyte. ये रेसिपी थी, उन्होंने वो बनाई, सीड नहीं बना पाए बट उन्होंने रेसिपी तैयार कर ली, और वो रेसिपी किसने यूज की? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. एक और फिर स्टार डाल के पॉइंट कीजिए रेड पेन से. सीड फर्म्स नेक्स्ट है. अब हम इसको थोड़ा अलग करते हैं. सीड फर्म्स जिनको हम और क्या बोल देते हैं, पेरिडोस्पर्म्स, और क्या बोल देते हैं, साइकेडोफिलिकेल्स. दे हैव प्लांट बॉडी like ferns. They form seeds like gymnosperms. Therefore, they are regarded as लिंक बिटवीन किसमें, पेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. दीज आर रिगार्डेड एज लिंक बिटवीन पेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. दे आर नाउ एक्सटिंक्ट, अब नहीं मिलते ये. दस कॉल्ड एज मिसिंग लिंक्स. है तो लिंक्स है बट मिसिंग है, अब नहीं है. मिसिंग लिंक्स बिटवीन टेरिडो एंड जिम. These are called as missing links between कौन से, seed forms जिनको हम cycadophilicales या pteridosporms भी कहते हैं. Next एक और star point है, tree forms. Such as Ciathia. These are the ferns having above ground stem. These are the ferns having above ground stem. They look like palms. They look like palms. These are tree ferns. ठीक है जी, देखो जरा इसमें से कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो.
अब देखो मैं कुछ समझा रही हूँ, ये लिखना बात नहीं, पहले समझना। जो मॉसेस थी या ब्रायोफाइट्स थी, पूरा लिखना आप। यहाँ पे क्या था, गेमिटोफाइट एंड इसने किसी भी तरह से गैमेट्स बनाए एंड फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना 2N, एम्ब्रियो बना 2N, फिर बना स्पोरोफाइट 2N। इस स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, स्पोर्स बने N और गेमेटोफाइट बन के। अगर इफ द गेमेटोफाइट, ये जो गेमेटोफाइट है, इट फॉर्म्स स्पोरोफाइट डायरेक्टली विदाउट मियोसिस, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, एन स्पोरोफाइट सीधा विदाउट मियोसिस एन स्पोर्स और फिर गेमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोगेमी। ध्यान से देखो, एपोगेमी, एपो का मतलब है डायरेक्टली, गेमी मीन्स फ्रॉम गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट से क्या बनता है, सब कुछ करके स्पोरोफाइट ही तो बनते, गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, तो यहां पर डायरेक्टली फ्रॉम गेमेटोफाइट क्या बना, स्पोरोफाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इज कॉल्ड एज एपोगेमी। और अगर स्पोरोफाइट से 2N से डायरेक्ट गेमेटोफाइट बन जाए, यहां पे है, I'm sorry, ये ऊपर है विदाउट फर्टिलाइजेशन और ये है विदाउट मियोसिस, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एपोस्पोरी। नेक्स्ट लिखिए, एपोस्पोरी फ्रॉम स्पोरोफाइट डायरेक्टली क्या बना, गेमेटोफाइट। लिखो फॉर्मेशन ऑफ, आप पूरा लिखना, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। बन क्या रहा है, गेमेटोफाइट। Such gametophyte will be, आपने मुझे बताना है haploid की diploid, और यहां पे such sporophyte will be कृष्णा आपने ये बताना है, सीरत आपने ये बताना है,
एपोगैमी में स्पोरोफाइट क्या होगा, एन की टू एन, जल्दी से कृषा। एन एन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, इसलिए सच स्पोरोफाइट विल बी हैप्लोइड। हां जी सीरत, यहां पे सच गैमेटोफाइट विल बी, मैम 2n, 2n बिल्कुल ठीक है, डिप्लॉइड, सच गैमेटोफाइट विल बी डिप्लॉइड। दिस इज एपोगैमी एंड एपोस्पोरी, दीज आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेनली, कहीं भी मिल सकते हैं बट मेनली फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एपोगैमी एंड एपोस्पोरी mainly found in bryophytes and pteridophytes. Is it okay? So this is about pteridophytes. अब आपका एक होमवर्क, पढ़ना तो आपने है ही है, ठीक है? दूसरा आपने एक पेज लिखो, draw various diagrams of pteridophytes given in NCERT. NCERT page 37 पे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो आपने बनाने हैं, क्योंकि ये कई बार क्या आ जाते हैं, चीजें तो मैंने समझा दी बट ये डायग्राम आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, पेपर में, तो वो कैसे पता चलेगा, लिखो ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ वेरियस टेरिडोफाइट्स गिवन इन NCERT, और सबने, एवरीबडी हैज टू सेंड मी द डायग्राम्स ऑन व्हाट्सएप, मैं सभी की बात कर रही हूँ बेटा, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने होमवर्क दिया और आप सब वैसे के वैसे, क्लास खत्म तो मैडम ने क्या कहा क्या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सेंड मी दीज डायग्राम्स विद इन वन आवर, बस एक घंटे में क्लास के बाद ये बनाओ और एक घंटे बाद मुझे विद इन, मतलब एक घंटे के बीच बीच में मुझे ये व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, I am again reminding you that on Sunday at 6 p.m. you have the test of chapter 2, that is classification, I think ये diversity in life है ना, monera, protista and fungi, ये तीन topics है, तीन हमने जो है वो kingdoms करने हैं इसी, तो ये test है Sunday को at 6 o'clock, अच्छी तरह से तैयार करके देना है, is it okay? ठीक है जी, दिस इज अबाउट pteridophytes, अच्छी तरह से पढ़ो, दो होमवर्क है, एक तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, दूसरा आपने मुझे ये डायग्राम्स भेजने, राइट? सो ऑन मंडे वी विल डू यू नो दैट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, हम मंडे को किंगडम प्लांटी खत्म करते हैं, ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।